तुम बताओ कैसी हो। मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करती हूँ। अरे एमी का कुछ अता पता है? फोन लगाया तुमने एमी को? अरे पहले वो फोन नहीं उठा रही थी, अब फोन बन जा रहा है। मैं तो सोच सोच के हॉल उठ रहे हैं, कहाँ ले गई वो जेवर? अम्मी क्या हो गया है? कुछ तो भरोसा रखे अपनी औलाद पर। आपकी इन्हीं बातों की वजह से अब्बा घर छोड़कर चले गए और अब एमी भी। जबान मत चलाओ मुझसे, मैं पहले ही परेशान हूँ। एमी कहाँ थी तुम? तुम्हारा फोन क्यों बंद था? और तुम मेरा जेवर क्यों लेके गई हो? कहाँ है वो जेवर? तुम्हें पता है मेरा आखिरी एहसास है, कहाँ है जेवर बताओ? अम्मी क्या हो गया है? अभी तो वो घर आई है, उसको सांस तो लेने दें। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ जब आपका कोई अपना मरने की हालत में हो तो आप उससे बचाने के लिए मैं खून का आखिरी कतरा भी दे देते हैं ना। मैंने भी वही किया अम्मी। जेवर गिरवी रखा कर ये पैसे, पानी पी लो। हेलो रमीज। हाँ बोलो फरीद। मैं यार जरा काम से आया था, आता हूँ थोड़ी देर में। यार एक काम था तुझसे। यार वो 5,000 रुपए की जरूरत थी, जैसी सैलरी मिलेगी वापस कर दूंगा तुझे। यार फरीद मैं मना नहीं करता, लेकिन मैंने अभी यूनिवर्सिटी की फीस पे की है, पूरे 30,000 रुपए। अच्छा यार ओके कॉल कर। कोई अजीब आदमी है, बड़ा दोस्त बना फिरता है ना मेरा।